उदाहरण 12, वर्ग समीकरण x की घात 2 ऋण 6x धन 5 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। हल, x की घात 2 ऋण 6x धन 5 बराबर 0, या हम इसे लिख सकते हैं x की घात 2 ऋण 2 x गुणा 3 धन 5 बराबर 0। हमने ऋण 6x को ऋण 2x गुणा 3 के रूप में लिखा, या x की घात 2 ऋण 2x गुणा 3 बराबर ऋण 5। समीकरण के दोनों पक्षों में 2x के गुणांक 3 का वर्ग जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा x की घात 2 ऋण 2x गुणा 3 धन 3 की घात 2 बराबर ऋण 5 धन 3 की घात 2, या हम x की घात 2 ऋण 2x गुणा 3 धन 3 की घात 2 को x ऋण 3 की घात 2 बराबर ऋण 5 धन 3 की घात 2 बराबर 9 होता है। यहाँ पे हमने सर्वसमिका x की घात 2 ऋण 2xa धन a की घात 2 बराबर x ऋण 1 की घात 2 का प्रयोग किया, क्योंकि x की घात 2 ऋण 2xa धन a की घात 2 बराबर x ऋण 1 की घात 2 होता है, या x ऋण 3 की घात 2 बराबर ऋण 5 धन 4 ऋण 5 धन 9 बराबर 4, या x ऋण 3 बराबर धन ऋण वर्गमूल 4, या x ऋण 3 बराबर धन ऋण 2। अब धन चिन्ह लेने पर धन चिन्ह लेने पर x ऋण 3 बराबर धन 2 पक्षांतर करने पर, या x बराबर 2 धन ऋण 3 धन 3 हो जाएगा, तो x बराबर हुआ हमारे पास 5। उसी तरह से ऋण चिन्ह लेने पर x ऋण 3 बराबर यहाँ पे ऋण 2 लेंगे हम, या x बराबर ऋण 2 ऋण 3 का पक्षांतर करेंगे तो धन 3, या x बराबर 1। इनमें बहुपद x की घात 2 ऋण 6x धन 5 के मध्य पद को तोड़कर हम देखते हैं कि कहीं हम x की घात 2 ऋण 6x धन 5 बराबर 0 में मध्य पद को तोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा x ऋण 5 और x ऋण 1 बराबर 0 समीकरण है। अतः x बराबर 5 व x बराबर 1 दिए गए समीकरण का के मूल है। यह इस प्रश्न का हल होगा।